हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड शेड्यूल और बैकवर्ड शेड्यूल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर इसको समझ लिया तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब देखो, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग क्या होता है। फॉरवर्ड जो शेड्यूलिंग है, इसमें हम क्या करते हैं ना, इट्स इज कॉमनली यूज इन द जॉब शॉप। जॉब शॉप में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है इसका, जॉब शॉप में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है, जहां पर कस्टमर जो है वो अपने ऑर्डर्स को देते हैं और जहां पर जरूरत होती है हम उसके पहले हम उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी शेड्यूल एक्टिविटीज होती हैं वो पहले से प्लान होती है और हम उसको आसानी से तैयार कर लेते हैं। अब ये जो होता है, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ तो आपको और ज्यादा आसानी से इसको समझ में आएगा, ओके। देखो इसका डायग्राम आपको जो दिख रहा है ना, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस। देखो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। यहाँ जो दिख रहा है ना, दिस इज द फॉरवर्ड शेड्यूलिंग, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इस जगह पर, दिस इज द बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ठीक है। देखो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में क्या हो रहा है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर आया 1 तारीख को, हमको ऑर्डर को देना है 12 तारीख को। तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया, हमने जो भी रॉ मटेरियल था वो हमने लिया, अपने काम को स्टार्ट कर दिया, जो भी हमारे ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और अपना फाइनल असाइनमेंट हमने तैयार कर लिया 9 तारीख को। फिर हमने इसको क्या किया, इन्वेंट्री में पहुंचा दिया, इसको स्टोर कर दिया कि भाई जैसे ही डेट आएगी हम उस तारीख को इसको दे देंगे, ठीक है। बट बैकवर्ड शेड्यूलिंग जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, कि यहां जैसे ही ऑर्डर आया इन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब ऑर्डर आया, मान लीजिए डेट हमारे पास 12 है, तो हम क्या करेंगे ना, काम में हमको पता है कि काम में हमको इतने जितने दिन चाहिए हम उतने दिन पहले से स्टार्ट करेंगे और लास्ट डे पर ही अपना काम कंप्लीट करके हम उसको देंगे। मतलब उसको हम एक तरह से इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे, हम उसे कहीं पर भी स्टोर करके नहीं रखेंगे, बस कंप्लीट हुआ और दे दिया, ठीक है। इंडस्ट्रीज टाइप जो होती है ना, असेंबली इंडस्ट्रीज में ये इस तरह का होता है। तो यहां पर ये वाला जो पीरियड होगा ना, ये एक तरह से इनका ब्लैंक पीरियड जाएगा, ठीक है। ये ब्लैंक पीरियड जाएगा क्यों, क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं है। हमें पता है कि हमें इसको कंप्लीट करने में, हमें इसे कंप्लीट करने में 12 तक अगर कंप्लीट करना है तो हम 4 से चालू करेंगे तो हमारा 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं से हम सारे रॉ मटेरियल्स को लाकर काम शुरू करेंगे, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 हम करेंगे और फिर जो भी हमारी ड्यू डेट है वहां पर हम उसे कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो केक आपको देना है, है ना। मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं खाली समझाने के लिए। बैकवर्ड शेड्यूलिंग की अगर मैं बात करूं, केक का ऑर्डर मेरे पास 1 महीना पहले आ चुका था, लेकिन 1 महीने पहले से मैं उसकी तैयारी करके उसे बना के तो नहीं दे सकती। मुझे देना अगर उसको 12 तारीख को है तो मैं उस हिसाब से तैयार करूंगी कि भाई मेरा जो तैयारी है वो मैं 9 से 10 से स्टार्ट करूंगी कि 12 तक मेरा कंप्लीट हो जाए और मैं उसे दे दूं, ठीक है ना। फूड इंडस्ट्री का मामला अगर मान लीजिए तो हम उसी तारीख को तो देंगे, तो वो आपका जो होता है वो बैकवर्ड शेड्यूलिंग होता है। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड शेड्यूलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि बैकवर्ड शेड्यूलिंग में असेंबली टाइप इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, है ना। डिलीवरी जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम शुरू करते हैं, पहले से काम शुरू नहीं करते हैं, और यहां पर इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी 0 होती है और हम पहले से स्टार्टिंग नहीं करते हैं। जब हमको जरूरत होती है, कि हमें पता है कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है, तो हम 10 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, उसे 20 दिन पहले से कंप्लीट करना शुरू नहीं करेंगे, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट। इसी तरह के बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।